subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications. आज का जो हमारा एक्स सर्विसमैन रैली का जो आयोजन किया गया था, स्पेशली क्योंकि पिछले डेढ़ साल से हमारा कोविड की वजह से इस तरह से मिलना जुलना नहीं हो पा रहा था, जहाँ तक कोशिश हमारी टेलीफोन पे थी या इंडिविजुअली बात कर पा रहे थे, तो इसलिए हमने सोचा कि आफ्टर कोविड अब काफ़ी हद तक ख़त्म हो गया है और जो हमारे वेटरन्स हैं उनको काफ़ी तकलीफ़ें हैं और ये पीरियड निकलना एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस हर एक के लिए था, तो ये एक फिर से हमने शुरुआत किया कि ये हम सबको मिलें। काफ़ी चेंजेस हुए हैं, काफ़ी नई चीज़ें आई हैं हमारी फ़ौज के पेंशन रिलेटेड, उसको हम उनको बता सकें, और दूसरा जिसकी भी तकलीफें हैं खासकर जो पुराने वेटरन्स हैं एज जिनकी 80+ 85, उनको आज की टेक्नोलॉजी से काफ़ी तकलीफ होता है, बच्चे साथ बहुत मोस्ट ऑफ द केसेस नहीं रहते तो वो अकेले पढ़ते हैं, तो एटलीस्ट एक जरिया बना है कि उनके साथ हम जुड़े। तालुका वाइज हमने अपनी बना रखी हैं टीम्स, सैनिक वेलफेयर बोर्ड के साथ मिलके हम उनके सारे जो प्रॉब्लम्स हैं उसको हम दूर कर सकें। साथ ही साथ सिविल एडमिनिस्ट्रेशन से भी काफ़ी रिलेटेड इश्यूज होते हैं क्योंकि आप सेटल हो जाते हैं, क्योंकि हम फौजी हैं इतना आइडिया होता नहीं है सारे रूल्स के, तो स्टेट में जब फाइनली रिटायर होके सेटल होते हैं तो प्रॉब्लम्स निकलती हैं, रैंड रिलेटेड, डिसिप्लिन रिलेटेड, लॉ एंड ऑर्डर, वो सारी चीज़ों के लिए आज हम शुक्रगुजार हैं कि डीसी साउथ से भी मैडम हमारे साथ थी और उन्होंने अश्योर किया है कि जो भी उनसे अपने एरिया का कुछ भी प्रॉब्लम्स हैं उसको वो सुनेंगी और जहाँ तक हो सका उसका लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुँचेंगे। सिमिलरली हम डीसी नॉर्थ से हमारी बातचीत है और जो भी आज कंप्लेन हम नोट करके उनसे क्लियर करें, तो मुद्दा यही है कि ये कंटिन्यूस अफेयर रहे, ये हमारे वेटरन जिन्होंने 25-30 साल फौज के लिए हमारे देश के लिए इतना टाइम और पूरी एनर्जी अपनी लाइफ दे दी है, अब जब उनको अकेले हैं एज हो गई है तो हम वो साथ ना छोड़ें और उनको उसी तरह का आदर सम्मान के साथ उनकी रिस्पेक्ट और उनको सारी फैसिलिटी जो दी जा सकती है वो हम दें। थैंक यू। ओके, धन्यवाद। ब्रिगेडियर एएस साहनी, स्टेशन कमांडर एंड कमांडेंट 2 सिग्नल्स ट्रेनिंग सेंटर, कर्नल एपी राय, एडमिनिस्ट्रेटिव कमांडेंट ऑफ गोवा मिलिट्री स्टेशन, कर्नल पंकज नारायण, स्टाफ ऑफिसर, वेटरन सेल स्टेशन हेडक्वार्टर्स गोवा मिलिट्री स्टेशन, जनरल आर के करवाल, रिटायर्ड, द मोस्ट सीनियर वेटरन होम वी हैव हियर टुडे। आप सभी लोगों का मैं इस बहुत इम्पोर्टेंट दिन पर स्वागत करना चाहती हूँ और मैं अपनी तरफ से ये ग्रैटिट्यूड भी देना चाहती हूँ ब्रिगेडियर एएस साहनी को कि उन्होंने मुझे इस इम्पोर्टेंट दिन पर यहाँ इन्वाइट किया और चीफ गेस्ट बनने का मौका दिया। जैसा कि मुझे बताया जा रहा है कि पिछले 3 सालों से कोविड की वजह से ये जो प्रोग्राम है इंटरेक्शन का एक्स सर्विसमैन के साथ, जिसमें कि बहुत कुछ शेयर भी होता है और एक तरीके से ये ग्रीवियंस रिड्रेसल सिस्टम है, जो भी परेशानी एक्स सर्विसमैन को या तो आर्मी की तरफ से या स्टेट की तरफ से या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हो रही है उसका एक डॉक्यूमेंटेशन करके उस पर प्रॉपर फॉलोअप करके उसे एक प्रॉपर कंक्लूजन तक लाया जाता है, तो ये सिस्टम जो है वो पिछले 3 साल से नहीं हो पाया है और आज का दिन बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप लोग यहाँ पर आए हैं और इसमें भाग ले रहे हैं। तो जितना भी पेंडिंग ग्रीवियंसेस हैं मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि ये आप एक तो आर्मी के लिए जो भी आपकी ग्रीवियंसेस है वो तो आप बिल्कुल यहाँ पर बताएंगे, फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन साइड मैं ये भी रिक्वेस्ट करूंगी कि जो भी ग्रीवियंसेस या तो लैंड के हो सकते हैं या घर का हो सकता है, इट कैन बी एनी डिफरेंट इशू रिलेटेड टू द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी फॉर द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन आप भी इसको नॉलेज में लाएं और मैं रिक्वेस्ट करूंगी ब्रिगेडियर एएस साहनी से कि इसको डॉक्यूमेंट करके 2 डिस्ट्रिक्ट्स हैं गोवा में, नॉर्थ और साउथ दोनों में ये आप भेजें ताकि हम इस पर कार्रवाई कर सकें। मैं साउथ गोवा से हूँ तो मैं साउथ के लिए तो बिल्कुल कह सकती हूँ कि इस पर हम कार्रवाई करेंगे और नॉर्थ के लिए भी यही प्रोसेस होगा। सो आज के दिन के लिए बहुत बहुत बधाई, आपके पार्टिसिपेशन के लिए बहुत बहुत बधाई और
डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से मैं एक ऑफर भी करना चाहूँगी. हमारे पास एक डिजास्टर मैनेजमेंट वॉलंटियर फोर्स होता है और एक सर्विस मैन, अगर आप केपेबल हैं, आई नो आप ऑलरेडी ट्रेन हैं, और हमारे लिए एक कम्युनिटी जहाँ पर भी आप रहते हैं वहाँ पर आप बहुत रिसोर्सफुल साबित हो सकते हैं. तो अगर आप वॉलंटियर्स बनना चाहते हैं या तो आज आप अपना नाम यहाँ दे दीजिए या आपके जो रेगुलर डिप्टी कलेक्टर्स हैं तालुका में उनके पास भी आप रजिस्टर कर सकते हैं. सो आज के दिन के लिए बहुत बहुत बधाई और मुझे इनवाइट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद.